नमस्ते, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पायल्स किचन में स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं चॉकलेट मिठाई। इसको खोया पेड़ा या मावा पेड़ा ऐसे भी कहा जाता है। तो चलो बनाते हैं झटपट चॉकलेट मिठाई। चॉकलेट मिठाई या चॉकलेट पेड़ा बनाने के लिए हमको एक कटोरी खोया चाहिए, ये 100 ग्राम खोया है। 1 टीस्पून कोकोआ पाउडर चाहिए, थोड़ा सा दूध और 1 टेबलस्पून हमको शुगर चाहिए। तो चलो बनाते हैं चॉकलेट मिठाई। पैन गैस पे रख दिया है, इसमें थोड़ा सा घी हमको ऐड करना है और इसमें अभी खोया हमको ऐड करना है। गैस की फ्लेम हमको लो करना है, इसको थोड़ा हम भूज लेते हैं। 2 मिनट के बाद अभी हम इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करते हैं और इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। अभी हम इसमें शुगर ऐड कर लेते हैं। शुगर जो हमने ऐड की थी वो मेल्ट हो गई है। अभी हम इसमें कोकोआ पाउडर ऐड करते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। गैस लो रखना है। कोकोआ पाउडर ऐड करने के बाद 2 से 3 मिनट हमने इसको चलाया है। अभी इस स्टेज पे हम गैस बंद कर देते हैं। इसको कंप्लीट ठंडा होने देना है, उसके बाद हम इसके चॉकलेट के शेप बनाते हैं। मिक्सचर हमारा पूरा ठंडा हो गया है, अभी हम इसके शेप बनाना स्टार्ट करते हैं। हथेली पे हमको घी लगाना है और इसको ऐसे राउंड राउंड घुमाना है। हमको ऐसे राउंड राउंड घुमाने के बाद हमको बीच में हथेली से इसको अच्छे से प्रेस करना है और अभी हम इसके चॉकलेट के शेप बनाते हैं। यहाँ पे हमको घी लगाना है अच्छे से ताकि ये नीचे चिपकना नहीं चाहिए और हल्के हाथों से इसको हम प्रेस करते हैं। अभी नाइफ के हेल्प से हम इसका रेक्टेंगल या तो स्क्वायर शेप कट करते हैं। ऐसे, और जैसे किटकैट कैडबरी में रहता है बीच में लाइंस, वैसे लाइंस हम इसमें बनाते हैं। हल्के हाथों से इसको प्रेस करना है इसी तरीके से, और ऐसे ही हम सब चॉकलेट्स बना के रेडी रखते हैं। ऐसे मैंने सब शेप बना के रखे हैं। ये बिल्कुल किटकैट कैडबरी के जैसे इसका लुक आया हुआ है। अभी कुछ ही दिनों में गणेश फेस्टिवल आ रहा है, तब ये मिठाई आप प्रसाद बोल के भी बना सकते हो। बच्चों को ये बहुत पसंद आएगी और खाने में तो ये स्वादिष्ट है ही। तो जरूर ये मेरी रेसिपी ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में मुझे बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।